वेलकम टू ए18 तेलंगाना न्यूज़। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 10 एकर ऑफ लैंड अलॉटेड फॉर ग्रेवयार्ड एट पहाड़ी शरीफ क्लैरिफिकेशन ऑन डिस्प्यूट रेज्ड बाय सम पर्सन मिसलीडिंग एंड डिफेमिंग वक्फ बोर्ड। ए18 तेलंगाना न्यूज़ ब्यूरो। सलीम साहब खाली बातें करते काम कुछ भी नहीं करते बोल के आवाम का कहना है, तो ये झगड़ा कहाँ से पैदा हुआ? 50 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की थी, आप दे दिए, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है नहीं है, वहाँ से ये मसला शुरू हुआ, उस बारे में बताइए आप क्या है? ये बोर्ड रेजोल्यूशन है जी, हवाई फायरिंग नहीं है जी, बाबा हेल्पलेक्स डाले हैं पर हम पब्लिक को हेल्प के लिए आज तक इंडिया में कोई भी नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन लेके करे हम ये काम, लेके मैं केस बुक कराया है जी, मेरे तरफ से केस बुक करा, इससे पहले इनके तरफ से इन्होंने लैंड बेचे बोल के जो ना मैं आने से पहले इन्होंने एक लैंड बेच दिए वक्फ की, वो भी केस है, और मैं आने के बाद मेरे को डराने को देखे लो दो तीन बार या अपोर्ट भी आके वही कर देता हूँ, मैं कोई भी रहने तो बात करते हैं फेस टू फेस। कोविड के पेशेंट्स को लेके दो खबरस्तान, एक बालापुर में 50 एकड़ का खबरस्तान, दूसरा पहाड़ी शरीफ में 50 एकड़ का खबरस्तान, ये सब कोविड के बाद 100 एकड़ जमीन कोविड के पेशेंट्स के लिए है, इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा बोल रहे, इस बारे में क्या कहना है? सुनो आप, ये लोग होता आवाम को मालूम है क्या काम हो रहा है, बोल के आवाम खुश है, जो आवाम जितनी आवाम है लोग मालूम है वक्फ बोर्ड काम कर रहा नहीं कर रहा, जो हेल्प ना कर रहे मुतवली साहबान भी हेल्प कर रहे, बाज लोग नहीं करने से वो जो है ना डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को ये कर रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वक्फ लैंड अल्लाह की अमानत रहती और सेंट्रल एक्ट है सेल्फ स्टाइल भी रहो कुछ भी रहो ऑटोमेटिक वक्फ यूजर में आता सेंट्रल एक्ट है, तो ये लोग भी हुकूमत नहीं कर सकते, जो एरिया के एरिया ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह दफनाने देना, हर जगह तकलीफ नहीं देना, जो मरने वालों के लिए कहीं भी अगर जगह है तो इमीडिएट उसको अलर्ट करना जरूरी है। कल भी लोगों से मैसेज आया मेरे को, तो मैं मुतवली से डायरेक्ट बात करा, बोला जगह है तो बराबर दो, वहां पर जगह नहीं है तो अलग बात है, जगह है तो बराबर देना है, कोविड का क्या है मतलब जमीन में जाने का कोविड से क्या है, कैंसर से मर अभी मरता तो कैंसर का निमोनिया का अलग रहता क्या, इसको निमोनिया कोई कोविड-19 बोल रहे हैं, तो बहरहाल मेरी मीडिया वालों के भाइयों से भी अपील है, एक मिनट, ये जितने कंप्लेन आए फिर लोग करने लगे उसके लिए किसी पे केस बुक हुआ क्या? नहीं नहीं, पब्लिक पे क्यों करेंगे हम, पब्लिक को तो हेल्प करने बैठे हुए हम, आवाम को हेल्प करने बैठे, हमारे पूरा डिपार्टमेंट लगे हुआ है हमारा, मीडिया के सामने के जो है हर 8 दिन में मैं इंस्पेक्टर्स को और दूसरे जो है मेरे ऑफिसर्स को लेके हर एक प्रॉपर्टी का जो है दौरा करूंगा, बोल के उसके बाद जो है हाल ही में जब से कोविड का मामला शुरू हुआ बारगाह यूसुफैन आपके तहत है, उसके बावजूद बारगाह यूसुफैन में जो है दफनाने नहीं दिया गया, हबीब नगर पुलिस स्टेशन वाले जो है इन्वॉल्व होना पड़ा उसमें, उसके बाद सिलसिला जारी रहा, और जो है हाल ही में जो है हमारे ये लंगर हाउस की दरगाह का और वो जो है ख्वाजा पाशा का जो है मामला सामने आया, उसमें भी आप जो है इंक्वायरी कराए, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, अभी आप ये बोल रहे हैं कि सुनिए सर, हमें सुतारी साहब के खिलाफ आपके पास से जो है 2016 में केसेस बुक हुए, और आपने कहा था मीडिया के सामने कि जो है वफ के कितने प्रॉपर्टीज है, कितना किराया है, और ऐसे कितने दौर में आप, तो करीब 8-10 साल तो आपको जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन संभालते हो गया उसमें, तो ये कब तक जो है ये मीडिया के सामने लेके आएंगे आप, ऐसे कितने जो है और बड़ा आदमी भी है तो उसको छोड़ेंगे तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े से बड़ा आदमी भी पैसे वाला रहे तो उसको भी निकालेंगे, जब तक यहाँ दिन भी मैं हूँ तो मेरे सामने जो जो चीज जो है ना खामोश नहीं बैठेगा, वो लेके आके हम बोर्ड में रखेंगे, बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके हर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि अब चेयरमैन मनमानी अपने उससे भी नहीं कर रहे, ये देखो आप 10 एकड़ का हम बोर्ड में रेजोल्यूशन वफ लैंड है, वो कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, डिफेंस की नहीं है, जाके बस 200 रुपए का बोर्ड लगा दिया, बोलना अच्छी चीज है, अरे आप उल्टा हेल्प करना, हम लोग पूरी आवाम को आ गए वक्फ प्रॉपर्टी पे, हर इंसान का हर मुसलमान का आ गए के उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए और डिग्रेड करना।
करना अच्छी चीज ही है ना। लिहाजा भाई आवाम से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को जो है ना वहां पर सबक सिखाए, ऐसे लोगों जो आगे गलत सलत बात करके जो ना डिग्रेड करके, अरे 10 एकड़ जमीन मामली बात है, शर्म होना चाहिए ऐसे बात करने के लिए। जाए ले उनको क्या मालूम है, क्या क्या मालूम है, बताता हूँ दीन क्या इस्लाम क्या है तुमको नहीं मालूम, मैं बताता हूँ टोपी पहनने से नहीं है, बगैर उसके हम बताते आपको। आइए